डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए किया जा सकता है या नहीं, या फिर यह कह सकते हैं कि डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप यूज इन प्रेगनेंसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में काफ़ी अधिक अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्त आपको बता दें कि डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण यानी यूटीआई, पथरी आदि के उपचार में किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी गर्भवती महिला को इस तरह की शिकायत है तब तो वह इस दवा का उपयोग कर सकती है। मगर एक गर्भवती महिला को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कभी भी इस दवा को लेने के बारे में सलाह नहीं देते, जिसका मतलब है कि अगर आप एक गर्भवती महिला है तो इस दवा का सेवन न करें और दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर कर लें। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टर अगर आपको यह दवा दे रहे हैं तब आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह के फायदों के लिए आपको यह दवा दी जा रही है, मगर यह दवा गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है और इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिना डॉक्टर की अनुमति की दवा लेने के कारण से आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको और बेबी को नुकसान हो जाए, तो इस कारण से दवा का उपयोग न करें। डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का प्रयोग प्रेगनेंसी के अंदर प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती, यह आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप इस बारे में जानना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, आपका डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएगा कि इस दवा को आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो यह आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपको किसी तरह का नुकसान हो जाए, तो किसी भी तरह की दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको दवा लेने की सलाह दे रहा है तभी आप इस दवा का उपयोग करें। बिना डॉक्टर की अनुमति के डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का उपयोग करने के कारण से आपको तो नुकसान होगा ही, मगर साथ ही आपके पेट में पल रहे बेबी को भी काफ़ी अधिक नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा कहना यही होगा कि आप इस दवा का उपयोग न करें, बाकी आप अपने डॉक्टर से इस बारे में अच्छी तरह से बात कर लें ताकि आपको जो भी कुछ पूछना है वह डॉक्टर आपको पूरी तरह से समझा सके और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्यों यह दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में यह जान लिया है कि डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का उपयोग प्रेगनेंसी के अंदर किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए सही होता है या नहीं। तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि इस दवा को आपको नहीं लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।